हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेनू शर्मा और आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे एफबी लाइव पे। और जैसे कि मैंने अपनी टैगलाइन में डाला है कि हम कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ पानी की वजह से, और ये रियलिटी भी है क्योंकि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। आप सब जानते हैं हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे गलत खान पान की आदत से, गलत लाइफस्टाइल के तरीके से ये बढ़ जाता है। तो जब डायबिटीज़ की बात करते हैं तो कुछ लोग उसको शुगर के नाम से भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो शुगर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो तब जाके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो उसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है हमारी बॉडी के अंदर। ना जब हम खाना खाते हैं और उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम रोटी खाते हैं, आलू, जिन भी चीज़ों में कार्बेट होता है, तो जब हम उसको खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, और यानी कि जो हमारा छोटी आते हैं जब वो उसमें जाता है तो छोटी आंत में जो रसायन होते हैं वो उस भोजन को तोड़ देते हैं और ज़्यादा ग्लूकोज बना देते हैं, यानी कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसका वो ग्लूकोज बना देते हैं। उससे क्या होता है कि जो छोटी आंत की जो सेल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमारा जो खाना होता है, यानी कि जो रस बनता है वो ग्लूकोज वाला, उसके बाद वो पैनक्रियाज में जाता है, यानी कि अग्नाशय में जाता है। आपने देखा होगा लीवर और अमाशय के बीच में एक पैनक्रियाज, एक फिश जैसा डायग्राम में आप देख सकते हैं होता है, जिसके अंदर वो ब्लड जाता है पूरी बॉडी में जाने से पहले, पर उसमें ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी होती है। तो क्या होता है, पैनक्रियाज के अंदर हमारे बीटा सेल्स मौजूद होते हैं। वैसे वहाँ पे तीन तरह के सेल्स होते हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डायबिटीज़ की और ग्लूकोज की। आप जानते हैं कि ग्लूकोज एनर्जी देने का एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारी बॉडी, जो कि पूरी एनर्जी से चलती है, ऊर्जा की उसको ज़रूरत रहती है। तो हमारे बॉडी के सेल्स को भी ऊर्जा चाहिए जो कि ग्लूकोज से बनती है, पर उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। अगर वो इम्बेलेंस होती है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो जो हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो देखते हैं कि जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, इंसुलिन बनाना शुरू करता है, और जब वो आगे प्रवाहित होता है तो ग्लूकोज के अंदर इंसुलिन मिक्स हो जाता है, और जब वो आगे प्रवाहित होता है रड के माध्यम से, तो क्या होता है कि ब्लड से वो सेल तक पहुँचने में मदद करता है। यानी कि वो जो इंसुलिन है, जिसके मान लीजिए इंसुलिन है और जो ब्लड है जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, तो अगर वो अदर पार्ट्स में जाएगा वो ग्लूकोज लेके ब्लड, तो क्या होगा कि पूरी बॉडी में हमारा वो ग्लूकोज मिक्स हो जाएगा, जबकि जाना कहाँ है, हमारे सेल्स में। तो जब वो सेल्स में जाता है तो इंसुलिन का क्या काम करता है, जो हमारे सेल्स की उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर होते हैं, वो इंसुलिन के माध्यम से ओपन हो जाते हैं, जिससे ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है, ठीक है, और हमारी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है और ऊर्जा हमें मिलती है, इससे हम काम कर पाते हैं। पर डायबिटीज़ क्यों होता है, जब हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, या वो बहुत वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हो गए कि इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन ही एक ऐसा लगा लीजिए आपको कि राइडर है जो कि ग्लूकोज को सेल तक लेके जा रहा है, पर अगर वो ही नहीं बन पा रहा है, यानी कि बीटा सेल्स हमारे अगर इंसुलिन को नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो शुगर है वो हमारे ब्लड में मिलना शुरू हो जाएगी। वो सेल तक तो नहीं जा रही पर हमारे ब्लड में मिक्स है, तो पूरी बॉडी में वो शुगर घुलता जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि हमारी जो सर में जो वेन्स होती है वो छोटी हैं, आईज में वो छोटी हैं, तो जब वो चिपचिपा और गाढ़ा ब्लड जाएगा तो वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ख़राब करना शुरू कर देता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली चीज़ है। तो यानी कि अगर हम अपने सेल्थ को हेल्दी रखते हैं तो आप देखोगे ये सिस्टम नहीं ख़राब होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल से ही बिना दवाइयाँ खाएं इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ही बनने वाली चीज़ है ना, पैनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन बनता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं कि वो सही तरीके से काम करे। उसके लिए क्या ज़रूरी है, अपना खान और पान अच्छा रखना है ना, कि अच्छा फ्रेश भोजन हम लें जिसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हो, और पानी भी ऐसा पिए जिसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हो, साफ सुथरा पानी हो, स्वस्थ पानी हो। पर जैसे कि आज सबको पता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें तो जब वो फसल होती है तो उसमें काफ़ी छिड़काव किए जाते हैं जहरीले, तो हम तक तो फ्रेश भोजन नहीं आ पा रहा है। पर लोगों ने काफ़ी अच्छा रास्ता भी ढूंढा, आपने देखा होगा कि लोग अपनी छत पे, अपनी बालकनी में प्लांट्स उगाना शुरू कर दिया है, कुछ लोग टमाटर, कुछ लोग मिर्ची उगाना शुरू कर देते ताकि हमें फ्रेश चीज़ें मिल पाए, ताकि थोड़ा बहुत तो हमें फ्रेश चीज़ें मिले, पर वो हम लंबे टाइम तक नहीं कर पाते और हर कोई भी नहीं करता है, क्योंकि एक बीज को जब हम डालते हैं उसको बहुत टाइम लगता है, यानी कि जब तक तो हमें बाहर का ही खाना पड़ेगा ना, और जितने तरह की चीज़ें हम खाते हैं वो सब कुछ घर में नहीं उगा पाते, पर फिर भी हम एक कोशिश कर रहे हैं। पर दूसरी चीज़ जो पानी है उसके लिए क्या कर रहे हैं, चलो लोग अभी आरओ तक आ गए हैं कि अभी जो हम पानी यूज़ पहले ज़माने में कर रहे, तो पानी से पेट की बीमारी आ गई थी काफ़ी सारा, इसलिए लोगों को आरओ लगवाना पड़ा, फिल्टर लगवाना पड़ा ताकि पानी साफ हो गया जाए हमारे पास। पर आप ये चीज़ देखिए कि 70% तो पानी है हमारी बॉडी में, और 30% में लगा लीजिए कि हमारा फूड भी शामिल है,
तो हम सिर्फ फूड पे ध्यान दे रहे हैं, पानी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही चीज़ मैं भी काफ़ी बार सर्च करी थी कि कुछ तो ऐसा मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो या कोई भी हो, वो हम दवाइयों पर डिपेंड होकर उसको ठीक नहीं कर पा रहे। सिर्फ पूरी लाइफ हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। जिसको डायबिटीज़ वन हो जाता है वो तो इंसुलिन डायरेक्ट लगवाना शुरू कर देता है, पर अगर आप अपने इंसुलिन को अपनी बॉडी में ही दोबारा से रिवर्स कर पाओ, यानी कि बनाना शुरू कर दे अगर हमारे साथ, तो कितनी अच्छी बात होगी, वो भी बिना किसी दवाई के। तो अब पानी को कैसे करेंगे हम, कि अब देखेंगे पुराने टाइम का जो पानी था, जो कुएं का पानी था, ये आज भी जो नदियाँ हैं, जो ताज़ी नदियों का जो ताज़ा पानी है, हिमाचल के तरफ में जो लोग रहते हैं यानी कि पहाड़ी इलाकों में, उन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ताज़ा पानी पी रहे हैं, एक्टिव पानी पी रहे हैं। हमारी जो बॉडी है, आप देखोगे ये एक मशीन है, इसको भी करंट की ज़रूरत पड़ती है ना, चाहे वो एक सेल को 50 mA कुछ बोलते हैं, इतना करंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक फ़ैन को भी अगर हमें चलाना है तो उसके लिए हमें एक फिक्स एनर्जी चाहिए बिजली की, है ना। कई बार उसको हम कम तेज़ भी करते हैं कि अगर हम कम बिजली दे रहे हैं तो बहुत धीरे चलेगा, अगर हम उसको फुल स्पीड कर देते हैं, चाहते हैं कि बहुत अच्छी हवा है हमारे फ़ैन से, तो हम उसको फुल स्पीड में इनकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि करंट देते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी के हैं। अब हमारे बॉडी में जितने भी सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उन सबको एनर्जी चाहिए, वो हमारे खाने से ही वो लेते हैं, है ना, पानी से और खाने से ही लेते हैं, क्योंकि जब एनर्जी हमारे सेल्स लेते हैं तभी वो काम कर पाते हैं। पर आज के टाइम पे खाना तो अच्छा नहीं जाता, तो पानी भी नहीं अच्छा जा रहा है। आप देखोगे जो सेल एक हेल्दी सेल होना चाहिए वो पानी की वजह से डिहाइड्रेट हो रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हमारे सेल, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, एनर्जी नहीं दे पाते। इसलिए लोगों को आप देखोगे कि कोई बीमारी ना होते हुए भी वो बहुत, है ना, आलसीपन महसूस करते हैं, ठीक है। जिनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो या तो उनको बीपी हो जाता है, या डायबिटीज़ हो जाती है, या फिर थायराइड हो जाता है, या फिर वेट बढ़ जाता है, ये सब हमारे सेल की वजह से ही है। तो एक बेसिक अगर हम समझें, पुरानी चीज़ों को समझें और आज के टाइम को समझें, तो हम लोग दवाई से बस ये सोच रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं, पर बेसिक जो जड़ है, अगर हम उस जड़ पे काम कर ले, यानी कि हमारे बॉडी सेल्स पे काम कर ले, उसको हेल्दी रखने की कोशिश करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं, और चाहे वो कोई भी बीमारी हो। क्योंकि बीमारी उनको कहा जाता है जो शायद मच्छर काटने से, यानी कि बाहर के बैक्टीरिया काटने से आ जाती है, पर जो हमारे खाने पीने की वजह से हो रही है वो बीमारी आप कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो। और मैंने ये पढ़ा है कि कैंसर कब होता है, जब हमारी जो सेल्स होते हैं वो विभाजित होते हैं ना, एक सेल दूसरे सेल में विभाजित हो जाता है, जब वो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड आ जाता है, तो जो हमारे सेल्स है वो बहुत ज़्यादा विभाजित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो कैंसर की गांठ बन जाती है, वो ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से विभाजित हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल तेज़ी से बन रहे हैं। तो हमें बैलेंस बना के रखना होगा, तभी हम बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो अब बात करेंगे पानी की। अब गंगा जी से या फिर गंगोत्री से डेली पानी नहीं ला सकते, और ना ही हम वहाँ जाके रह सकते हैं। तो जैसे हमने एक ऑप्शन देखा है कि अगर हम घर पे थोड़ा वो जैसे मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब मतलब अपने घर पे उगाना शुरू कर दिया है, तो पानी का भी तो कोई तरीका ऐसा होगा ना। पर हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने और काफ़ी अदर कंट्रीज भी उस पानी पे काम कर रही है कि अपने पानी में जो डेड हो चुका है, सबसे पहले तो ये चेक करना ज़रूरी है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो डेड है या लाइव है, है ना। डेड लाइव का मतलब ये है कि अगर हम फ्रेश वेजिटेबल्स का क्या मतलब होता है कि अभी पेड़ से तोड़ा है और एक घंटे में हमारे पास मिल गया, हमने उसको वॉश करके खा लिया, तो उसके जितने भी मल्टी विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाएंगे। पर अगर आई वो एक हफ्ते तक रहे हमारे पास, तो यानी कि वो भी डेड हो चुका है। आप देखोगे ना, एक एप्पल को काटते हो जब, पर वो ऑक्सीजन के पर उसमें आते ही ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर की जो बॉडी है ना, कहते हैं कि इम्यूनिटी भी पावर है जो, पर हम ऑक्सीडेशन के कारण और ये सब जो हम पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं कि हमारे खाने के अंदर, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन आ रहा है, हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पर इसको हम स्लो कर सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग स्लो करते थे, उस टाइम के 80 साल के लोग भी बहुत अच्छे ग्लोइंग स्किन वाले थे, पर आज क्यों नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पानी ही, खाना पीना सब कुछ ही डेड है। अगर हम फ्रेश चीज़ें लें तो हम अपनी बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे, पर फ्रेश पानी कैसे लाएं? मैंने देखा भी लोग नहीं जानते ज़्यादा, तो इसलिए ये आपको बताना चाहूँगी। अब ऐसा नहीं समझना कि शायद मैं कुछ बेचने वाला काम कर रही हूँ, बेचने वाला नहीं, जो मैंने देखा है कि पॉसिबल है। जैसे हमने अपने घर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग मैंने देखा है कि छत पे पूरा उन्होंने खेत बना रखा है, बहुत अच्छी बात है कि वो यूज़ कर पा रहे हैं, कि कुछ तो अपने बच्चों को अच्छा और हेल्दी दे सकते हैं, कुछ तो फ्रेश दे सकते हैं। आज के टाइम में डॉक्टर के पास जाओगे वो भी कहेगा कि खाना पीना अच्छा रखो, यहाँ तक कि एसिडिटी वाली प्रॉब्लम भी हमारी खाने की वजह से हो जाती है, यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ मैटर करती हैं।
यानी कि, और हमारा शरीर भी पांच चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें पानी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम उसको अच्छा कर लेते हैं, उसको पीना शुरू करते हैं अच्छे पानी को, तो हम 70% तो अपनी बीमारियों से दूर रहेंगे। और मैं जिस पानी की बात करूँ, जिसमें आपको बोला कि ऑप्शन, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ में सक्सेस हो चुके हैं कि अगर हमारा पानी डेड है तो किस तरह से उसको लाइव कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमारी बॉडी को इलेक्ट्रॉन चाहिए ज़्यादा ताकि वो एनर्जी दे पाए, है ना। हमारी जो मशीन है उसके अंदर लगातार एक लिमिटेड करंट रहे जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से काम करती है। तो पानी के जरिए कैसे दोगे? तो मेरे पास भी पानी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या अंतर रहेगा एक डेड वाटर में और एक लाइव वाटर में। और जैसे हमारी बॉडी एसिडिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ऑक्सीडाइज हो चुकी है, उसको हम कैसे अभी ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। देखिए, हमारे घर में हम अभी सबसे बेस्ट जो पानी है वो आरओ का पानी मानते हैं, है ना। हमारे घर में आरओ का पानी है, तो मैंने इस जग में अपना आरओ का पानी लिया हुआ है। ये सेंटर वाला जो ग्लास है, मैं इसमें डाल दूँ इसको, ठीक है। और ये एक पीएच की और बात बता दूँ, हर चीज़ का, हर पदार्थ का अपना एक पीएच लेवल होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या अल्कलाइन है, यानी कि क्षारीयता वाली है। जैसे कि नींबू है, नींबू खट्टा होता है, तो उसका जो पीएच मान है वो आपको एसिडिक मिलेगा क्योंकि वो खट्टा है। तो उसको मापते कैसे हैं, एक मीटर होता है ये, जैसे इस बॉटल पे भी बना हुआ है, कि 7 जो नंबर दिया है वो हमने न्यूट्रल को दिया, यानी कि उसके अंदर ना तो माइनस की पावर है ना उसमें प्लस की पावर है, यानी कि ना तो उसमें करंट है ना ही वो अल्कलाइन है। तो जो 7 से नीचे नीचे होगा, 1, 2, 3, 4, वो सब ये सब क्या होंगे, एसिडिक होंगे। चाहे दूध को माप लो आप, ब्लड को देख लो, ब्लड हमारा 7.4 पीएच का है ना, यानी कि वो अल्कलाइन है, क्योंकि 7 से ऊपर जितने भी नंबर आएंगे वो सब अल्कलाइन होंगे, उसमें एसिडिक नहीं होता। और बुक्स में ये काफ़ी साइंटिस्ट ने लिखा कि अगर हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर लेते हैं तो हमारे सेल है वो हेल्दी रहेंगे, और 7 से ऊपर का जो पानी होता है वो आपका, आपकी सेल्स को ज़्यादा हाइड्रेट करता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती है, यानी कि हमारे सेल्स उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो यही छोटे छोटे कारण हैं जो आप खुद अपने घर में देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ट्राई किया था। तो ये 9.5 पीएच का पानी है, क्योंकि 7 का 6.5-7 के आसपास का तो हमारे घर में मिलता है एमसीडी वाला पानी ना, पर अभी फिलहाल आरओ का पानी पी रहे तो मैं इसको बताऊंगी, हमारे घर का आरओ का पानी है और ये 9.5 पीएच का पानी है। सबसे पहले मैंने बात की कि हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा डेडनेस है, यानी कि डेडनेस का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन है, ये पानी कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया है, और ये जो ताज़ा पानी एक मशीन के ज़रिए निकाला जाता है ये लाइव कैसे हो गया, जबकि इसी पानी से मैंने इसको बनाया है। जैसे आप खेत को घर में ले आए हैं ना, अपनी बालकनी में बनाते हैं, अपने छज्जे पे बनाते हैं अपने ऑर्गेनिक तरीके से, तो उस तरीके से हमारे पास मशीन अवेलेबल हैं। तो ये आरओ के पानी में मैं इसको डाल रही हूँ, क्योंकि डेड वाटर तो कोई हलचल ये नहीं करेगा, और क्योंकि अभी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये केमिकल आता है जिससे हम ये पता चला सकते हैं कि कितनी ऑक्सीडेशन पावर इसके अंदर है। तो आप देखेंगे कि ये 9.5 का जो पानी है ये अभी लाइव वाटर कहलाएगा, क्योंकि इसमें हलचल हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं है, नहीं तो ये कलर चेंज नहीं करता। इसमें ठहरा हुआ पानी है तो ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा है, और इसी को हम पी रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि हम अपने आपको हेल्दी करने के लिए पानी पीते हैं, पर वो पानी ही हेल्दी नहीं है। ये साफ ज़रूर है, हमारा जो आरओ का पानी है वो पानी को साफ कर देता है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि हमारी धरती से जो पानी आ रहा है उसमें भी केमिकल मिलता है, तो आरओ उसको साफ कर देता है, पर वो अभी हेल्दी नहीं है। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, कई बार देखोगे आप आरओ का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि इनमें टीडीएस काफ़ी कम हो जाता है, मिनरल्स कम हो जाते हैं। और मेरे घर का जो टीडीएस था मैंने मापा था वो सिर्फ 7-8 था, जबकि 100 से ऊपर होना चाहिए। और ये 9.5 का पानी है, उसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि पीएच इनका जो ये अल्कलाइन है या एसिडिक है, इन दोनों पानी में से कौन कौन है। अब एक तीसरा ग्लास हो लेते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ और ज़्यादा पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक। अभी हम देखते हैं कि एसिडिक और अल्कलाइन में ये क्या डिफरेंस करता है, क्योंकि एक फर्स्ट ग्लास में मैं कोल्ड ड्रिंक डाल रही हूँ, क्योंकि आजकल हम ये भी पी रहे हैं। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी एसिडिक कैसे हो रही है। हम कोई स्पेशल से एसिड वाली चीज़ें नहीं लेते, आम चीज़ें जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है, तभी तो हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारे सेल बीमार पड़ रहे हैं। असली बात है कि हमारे सेल बीमार पड़ रहे हैं,
हम अच्छा खाने की कोशिश करते हैं पर नहीं मिल पा रहा है। अब हम पीएच से चेक करेंगे और बीच वाले पानी में फिर से मैं अपना ये आरओ का पानी डाल देती हूँ और थर्ड ग्लास के अंदर मैं डाल देती हूँ दोबारा से 9.5 पीएच का पानी। ठीक है, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। अभी ये देखिए, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, मुझे नहीं पता, पर साइंटिस्ट ने यानी कि साइंस ने ये चीज़ें बनाई हैं। आप देखोगे जो पर्पल ब्लू, ये जो ब्लू कलर आया हुआ है 9.5 का ब्लू कलर है, और जो एसिडिक होता है उसमें आप देखोगे पैरेट ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज होता है, फिर वो रेड होता चला जाता है। पर जो न्यूट्रल है उसका जो कलर आता है वो बिल्कुल डार्क, जो पत्तियों का कलर होता है वो होता है न्यूट्रल, यानी कि जिसमें ना तो वो एसिडिक होता है ना वो अल्कलाइन होता है, यानी कि ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, वो बीच का होता है। तो उसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक में डाल के देखते हैं, जो हम अपने बच्चों को गर्मियों में सबसे ज़्यादा पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं। आप देखिए इसका कलर जो चेंज हुआ है, वो रेड कलर हो गया है ना, तो यानी कि इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो पानी है आप देखेंगे ये एसिडिक वाटर है, है ना। अब हम आरओ में मिलाते हैं तो उसको, अब इसका कलर देखिए आप, पैरेट ग्रीन जो कलर आया है, तो यानी कि ये भी एसिडिक वाटर है। अब हम 9.5 में मिलाते हैं, अब देखिए ये ब्लू आया है, तो ये 9.5 का पानी है। ये कैसा सॉल्यूशन है जिससे हम ये किसी भी द्रव्य जिसका पीएच माप सकते हैं कि वो एसिडिक है ज़्यादा या फिर अल्कलाइन है, क्योंकि हमें ये थ्योरी पता चली है। आप लोग भी सर्च कर सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन है तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। अल्कलाइन का मतलब है कि हमारे सेल हेल्दी रहेंगे, क्योंकि एसिडिक वातावरण के अंदर ही ज़्यादा बीमारी फैलती है। पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको एसिड वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर वो हमारा लीवर, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नेचुरली इसको बनाता है। आप देखेंगे हमारी जो बॉडीज में एक पित्त की थैली होती है ना, तो उसका काम यही है कि हम जो एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं उसको अल्कलाइन करे। पर वो खाना इतना ज़्यादा एसिडिक दे रहे हैं तो बेचारा वो जो पित्त की थैली का जो काम होता है वो फेल हो गया है ना, वो भी हमारी बॉडी को अल्कलाइन नहीं कर पाता। जबकि भगवान ने जब इंसान का शरीर बनाया था तो एसिडिक बनाया था। एक चीज़ और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तभी वो ऑक्सीडाइज की होती हैं। एक कील, जो लोहे की कील होती है ना, आप देखोगे पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आके क्या होती है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। कोई एप्पल या आप ना पोटैटो भी काट के देखोगे तो उसमें कालापन आना शुरू हो जाता है। पर एक जो बेबी जब माँ के गर्भ में होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा, वो अपनी माँ के जरिए, नाल के जरिए सांस लेता है, तो वो अल्कलाइन रहता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो खाना भी एसिडिक खा रहा है, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइजेशन लेके आती है, पानी भी एसिडिक पिया, तो धीरे धीरे क्या होता है वो बीमार होना शुरू होता है जैसे जैसे बड़ा होता है। तो हमें यही चीज़ चेंज करनी है, बेसिक चीज़ जो जड़ है सेल्स, उनको हम हेल्दी रखते हैं तो हम शायद किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। उसकी क्योंकि इसके अलावा आप चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, ठीक है, जितना मर्जी आप अपने घर में खेत बना लो, क्योंकि 70% काम तो पानी करने वाला है। क्योंकि अब अगर पानी को भी अच्छा कर लेते हो, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जब सेल काम करेंगे तो जो भी भोजन आप खा रहे हो, चाहे उसका 50% आपको लगे, वो लगेगा आपकी बॉडी को, और ये सच है। और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हम लोग अब ये चीज़ नोट कर पा रहे हैं कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ये चीज़ हम नोट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ज़्यादा सर्च करते हैं कि अपनी फैमिली को कैसे हेल्दी रखें। तो उसी सर्च के दौरान मुझे भी इस पानी के बारे में पता चला, और इतना पता चला कि मैं इस पर ज़रूर काम करना चाहूँगी, मैं ज़रूर लोगों को शेयर करना चाहूँगी कि क्या डिफरेंस है, कि ऐसी क्या कमी रह गई है कि हम अच्छी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सकते हैं। डायबिटीज़ के लोग कितने परेशान रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ती है उसके और भी ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ के लिए है कि जस्ट आप पानी को चेंज करने से ही अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाओगे। कारण यही है, जो बीटा सेल्स का मेन काम है इंसुलिन बनाने का, हमें अगर उन बीटा सेल्स को एनर्जी देनी है, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो लाइफ टाइम काम करे, सही मात्रा में इंसुलिन को बनाए, तो हमें उनकी केयर करनी पड़ेगी हमारे खान और पान से। तो खाने के लिए हम थोड़ा सा जान चुके हैं कि हमें हेल्दी भोजन खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, लाइव खाना चाहिए। लोग खीरा टमाटर कच्ची वेजिटेबल्स खाना शुरू कर चुके हैं, पर पानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और आने वाले शायद 1-2 साल में ये हो जाएगा पानी का। तो आज से शुरुआत हम कर चुके हैं कि पानी की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है, और
एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पानी डिसाइड कैसे करेंगे हम कि कौन सा अच्छा है। तो मैंने आपको पहला बताया कि वो लाइव होना चाहिए, दूसरा बताया कि वो अल्कलाइन होना चाहिए, और तीसरी जो है वो पतला होना चाहिए, पानी पतला होना चाहिए। मतलब अब मान लीजिए आप अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस खाते हो, है ना, और पानी यूज़ करते हो, तो पानी अगर मोटा होगा तो आपके न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आपका जो सेल है उसको, जिसको पानी चाहिए, जब हम पानी मोटा होगा तो सेल बहुत छोटे होते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो पानी जो ये वाला पानी है जिसको हम अल्कलाइन आयोनाइज वाटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली मशीन के अंदर ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसकी वजह से इस जो आरओ का पानी अगर जब इसमें डालते हैं 100 से 150 की टीडीएस वाला, तो क्या करता है वो, जिसमें जितना भी एसिडिकपन है उसको एक साइड में निकाल देता है, और बाकी जो अच्छे मिनरल्स रह जाते हैं, अल्कलाइन चीज़ें रह जाती हैं, उसको एक साइड में निकाल देता है। तो इस तरीके से वो पानी हेल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें एसिडिकपन बिल्कुल भी नहीं है। तो तीसरी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि वो पानी पतला होना चाहिए, वरना पानी अल्कलाइन होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो लाइव भी है तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर वो माइक्रो क्लस्टर नहीं है, यानी कि वो पतला पानी नहीं है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने जीरे का यूज़ किया था। जीरा मान लीजिए हमारे छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है, ये मान लेते हमारी बॉडी के सेल हैं, और हम पानी दे रहे हैं एक को, तो आरओ वाला पानी दे रहे हैं, और एक को हम ये हेल्दी वाटर दे रहे हैं, आयनाइज वाटर दे रहे हैं, जो कि अल्कलाइन भी है, जो कि लाइव वाटर भी है, पर क्या ये माइक्रो क्लस्टर है, यानी कि क्या ये पतला पानी है, ये हम चेक करेंगे। तो आपके सामने मैंने आरओ के पानी में और इसमें डाला है, और अभी मिलाया नहीं है, तो थोड़ा कलर आना शुरू हो गया, क्योंकि जो जीरा है वो मान लीजिए हमारे सेल हैं, ये बहुत सारा पानी हमने इनको पीने के लिए दिया, अपने सेल को हमने ये पानी पीने के लिए दिया है आरओ वाला, है ना। अगर ये पानी पतला होगा आरओ का, तो ये जो जीरा है इसके अंदर का जो कलर है वो बाहर निकल के आएगा, और एक साइड में ये हमने 9.5 पीएच का जो पानी है वो दिया है इन सेल्स को। तो ये जो पानी है इस सेल के अंदर जा पा रहा है, तभी जो जीरे का कलर है वो पानी के अंदर घुल पा रहा है। आपको मैं क्लोज करके दिखा दूं, अगर आप डिफरेंस देख पाओ, क्योंकि ये लाइव है तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना के भी डाल सकती थी। लाइव इसलिए किया कि यकीन होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जैसे जितनी देर तक इस जीरा पानी में रहेगा वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, पर ये नहीं होगा। इसको मैं 1 घंटा भी रखूंगी ना, ये ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये इतने मोटे क्लस्टर का पानी है कि हमारे सेल को नहीं मिल पाता है। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसकी वजह से हम जी रहे हैं, पर उसे क्या हो रहा है, हमारे सेल डैमेज होते जा रहे हैं, कमज़ोर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, दवाइयों पे फोकस कर रहे हैं ना। बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाई ज़रूर हम खा लेंगे, पर बेसिक चीज़ भी, यानी कि जो जड़ है उस पर ध्यान नहीं देंगे। पर आज से आप दे सकते हो, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो उस पर सीख रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से चाहे मैं भी एक हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन घूमता था कि कुछ तो फ़र्क होगा पुराने लोगों में और हम लोगों में, कि वो लोग बीमार नहीं पड़ते थे, उनकी उम्र लंबी थी, उनको डायबिटीज़ नहीं होता था, कभी भी नहीं सुना मेरी नानी को दादी को किसी को डायबिटीज़ हो, और हम इतनी जल्दी छोटी उम्र में यहाँ हो जाता, तो कुछ तो फ़र्क होगा ना। अब देखिए हवा हम बदल नहीं सकते ना, कि हम सब पहाड़ों पे जाके रहें, हमें रहना तो अपनी जगह पड़ेगा। खाना है उसमें हम देखेंगे, अब हम कोशिश करने लगे हैं कि ताज़ा चीज़ें खाएं, और रही पानी की, क्योंकि सबसे बड़ी क्वांटिटी पानी की रहेगी, तो आप देख सकते हैं ना अभी बात करते करते भी कितना फ़र्क आ चुका है, देखिए। तो इसी तरीके से ये जो जीरा मैंने आपको एज अ सेल के अकॉर्डिंग दिखाया, तो हमारे सेल भी ऐसे ही है, वो वेट करते हैं कि कब हमें अच्छा पानी मिलेगा, पूरी तरीके से पानी मिलेगा। जैसे एक फसल होती है, अगर फसल में आप पानी नहीं दोगे ना टाइम पे, तो वो ग्रो नहीं करेगी। आप ये एग्जांपल ले सकते हो, अगर फसल को सही टाइम पे सही क्वांटिटी का पानी मिल जाएगा तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएगी आपकी फसल ना। तो वही सेम है कि हमारे सेल को अगर हम अच्छा पानी दे पा रहे हैं, स्वस्थ पानी दे पा रहे हैं, तो वो हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, उनमें कोई भी इंबैलेंस नहीं आएगा। तो ये तीन क्वालिटी, कम से कम 3 से 4 क्वालिटी पानी में होनी चाहिए अगर आपको अपने सेल हेल्दी रखने हैं तो। और ये तो सिर्फ बीटा सेल्स की बात करी है मैंने, हमारे ब्लड के अंदर भी मल्टीपल सेल्स रहते हैं, हमारे हार्ट में मल्टीपल सेल्स रहते हैं, हमारे न्यूरॉन सिस्टम के अंदर मल्टीपल सेल्स रहते हैं, तो उन सबको ज़रूरत है अच्छे खान पान की। तो पानी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप और भी कोई ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ क्लियरली कि किस तरीके से आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाओगे। और ये रियलिटी है, ये सिर्फ कुछ मार्केटिंग के लिए आपको नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि मार्केटिंग के लिए होता तो ये डिफरेंस भी नहीं आता ना, क्योंकि पानी तो दोनों ही होने चाहिए, यानी कि कुछ तो उस पानी में होगा ना जो मेरे पास है। तो ये खुद से जीरा इसमें इतना अच्छा कलर दे रहा है, देखिए
मतलब ये कितना पतला है कि ये इतनी आसानी से घुल जाता है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आपकी बॉडी में ये हाइड्रोजन दे पाता है जो कि आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की भी अच्छी क्वांटिटी होती है, क्योंकि जब ये सेल को एब्जॉर्ब करवा पाएगा पानी, तो वही सेल तो काम करते हैं, तो उससे ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को मिलने वाला है, चाहे वो हमारे ब्लड सेल्स हो गए, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है। अगर उसको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे पाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप हमेशा चेक कर सकते हो जो पानी आप लेते हो अपने घर में उसमें हाइड्रोजन बबल्स है या नहीं, पर इस पानी में है। मैंने एक वीडियो बनाया था छोटा सा, मैं अपने इस वीडियो के बाद शेयर कर दूंगी कितने अच्छे इसमें हाइड्रोजन बबल्स आपको दिखाई देते हैं। ये प्रूव है कि ये पानी लाइव है, ये वही पानी है जो हमारी गंगोत्री से निकलता है, लाइव वाटर। क्योंकि कहते हैं ना कि पूरी पृथ्वी पर जो पानी है सिर्फ 1% या 2% पानी पीने का है, तो उसमें से सबसे बेस्ट जो पानी है वो हमारे पहाड़ों का पानी है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है ना, और वहीं से वो गंगोत्री निकलती है, तो बेस्ट पानी है। अब आपको जागरूक होना पड़ेगा पानी के लिए भी। हम खाने के लिए जागरूक हो चुके हैं, हम लोग व्यायाम करते हैं, यानी कि योगा करने लगे हैं। पहले कौन योगा करता था बीच में, और जब से रामदेव जी आए उन्होंने बताया कि योग से आप ठीक हो सकते हो, है ना, क्योंकि हवा भी बहुत ज़रूरी है, तो हम प्राणायाम करते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छी रहे। तो अब पानी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है अपने लिए नहीं तो हमारी अपनी फैमिली के लिए। और मैंने अपनी फैमिली के लिए सोचा है तभी ये डिफरेंस मुझे देखने की क्या ज़रूरत है। सेल करने के लिए तो हम कुछ भी सेल कर सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सेल करने के लिए, पर हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार फोकस करती हूँ कि इंडिया से भारत की तरफ चले, जो भारत की अच्छी चीज़ें थी उनको ज़रूर अपनाएं आप। कोई भी इस पानी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि लाइव में या वीडियो में कितना कुछ हम क्लियर कर देंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुड़ी होती है, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि पानी कैसे कर सकता है ना, कि पानी कैसे बनता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं घर पे, वो सब आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं उनसे। और आज की लाइव के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी फैमिली में अगर किसी को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए इस चीज़ से ना, काफ़ी टाइम से अगर वो परेशान हो तो आप शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।